नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ समय और मैं हूं समथिंग क्रांति। पिछले दिनों ऑल इंडिया मर्चेंट मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में एडवोकेट सुशील जी व्यास निर्विरोध राष्ट्रीय सचिव बने। आइए जानते हैं सुशील जी व्यास से ये संगठन देश में क्या करता है, कितना पुराना है और इसके फाउंडर कौन है। ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन इस देश के व्यापारियों की और व्यवसायिक वर्ग की एक राष्ट्रीय स्तर की सन 1941 में स्थापित प्रतिनिधि सभा है, जैसे फिक्की वगैरह है। भारत रत्न सर विश्वेश्वरैया जी ने इसका स्थापना की और तब से लगातार देश के अनेक हिस्सों में इसकी इकाइयां हैं और व्यापारियों और व्यावसायिक लोगों का एक प्रतिनिधित्व संस्था के रूप में ये काम कर रही है। चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, वहां की समस्याओं को व्यापारी वर्ग की व्यावसायिक लोगों की उठाना और अन्य जो सरकार की ऑफिशियल कमेटियां हैं उसमें प्रतिनिधित्व इस संस्था को मिलता है और वो प्रतिनिधित्व जाकर के अपने अपने इन जो व्यापारी और व्यावसायिक वर्ग की बातों को और उनके जो ग्रीवेंसेस हैं उनको वहां रख करके सरकार के माध्यम से उसको सॉल्यूशन निकालने का एक संगठित प्रयास AIMO के माध्यम से होता है। और ये काफी अरसे से लगभग 70 साल से ये संस्था इस व्यापारी वर्ग की सेवा में लगी हुई है। मुंबई में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड करके इनका, वैसे भी AIMO का हेडक्वार्टर पूरे नेशनल हेडक्वार्टर मुंबई में PM रोड पे है और वहीं पर उनका महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का कार्यालय भी है। और इसके पूर्व अब आज तक मैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का वाइस चेयरमैन के रूप में काम कर रहा था पिछले 2 वर्षों से। अब हाल ही में जो चुनाव हुए आने के करीब करीब 5-6 पदों पर निर्विरोध चुनाव हो गया है। 2 पद राष्ट्रीय अध्यक्ष और पश्चिम भारत उपाध्यक्ष नेशनल वाइस प्रेसिडेंट वेस्ट जोन जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं, उसका चुनाव 28 तारीख को जो हमारी एनुअल जनरल मीटिंग चेन्नई में होने जा रही है उसमें होगा। बाकी पदों का निर्विरोध चुनाव हो गया और मैंने राष्ट्रीय सेक्रेटरी के रूप में नॉमिनेशन भरा था और खुशी है मुझे कहते हुए कि पूरे राष्ट्र के जो AIMO के हमारे साथी हैं उनका विश्वास और प्यार मुझे मिला और वह मैं निर्विरोध रूप में ये राष्ट्रीय सेक्रेटरी के रूप में चुना गया।